हेलो दोस्तों, आज बहुत ही मजेदार चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बेसिकली मेरे पास एक डी ड्राइव में फाइल है DS10M। जी हाँ, ये डैशबोर्ड बनाना मैंने सिखाया था 10 पेजे वाली बैच को, और इसी के अंदर एक डेटा है। मुझे डेटा चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि डेटा काफी बड़ा है। अब मुझे पूरी डेटा नहीं चाहिए, मुझे डेटा चाहिए अपने SO सेल्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग। मुझे डेटा अपने सेल्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग चाहिए, क्या करें इसके लिए? तो सबसे पहले तो इसकी हम यहाँ पे इम्पोर्ट करना चाहेंगे दूसरे एक्सेल पे। हम कॉपी पेस्ट कर ले, नहीं, दूसरे एक्सेल पे हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं। कहाँ से? फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, और मैं यहां से अपने लोकेशन पे जाके और अपना 10 MB वाली जो डेटा है वो हम इसको सिलेक्ट करके इंपोर्ट करते हैं, तो फाइनली इंपोर्ट हो जाता है। यहाँ डेटा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे चाहिए सिर्फ जो है पूजा का है। तो हम ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और पावर क्यूरी खुल के चली आती है। यहाँ पे तो सिंपल है, आप इसका इस्तेमाल करते भी होंगे। तो पावर क्यूरी में यहाँ हम फिल्टर लगा देते हैं कि मुझे पूजा का डेटा चाहिए सिर्फ, और यहाँ पूजा सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, और फिर यहाँ पे लोड एंड क्लोज टू करते हैं, और हम अपनी एग्जिस्टिंग लोकेशन पे जाते हैं यहाँ पर और ओके कर देते हैं। डेटा पूरा यहाँ चला, दैट इज ओके। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे सेल्स ऑफिसर को सिलेक्ट करना चाहता हूं। जी हाँ, यहाँ सेल्स ऑफिसर को सिलेक्ट करना चाहता हूं। अब मान लीजिए कि मैं अपने वापस वाले फाइल में जाता हूँ, उसको कॉपी करके और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, और डेटा के अंदर जाके मैं यहाँ रिमूव डुप्लीकेट कर दूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ, लिस्ट में। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं अगर यहाँ पे किसी तरह का चेंज करता हूं तो ये डेटा उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मोहन करता हूं तो मोहन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो कैसे करें? अच्छा, इसके लिए मैंने पहले बताया था कि मैं इसका यूज माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी से करता हूं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी ना करके बेसिकली हम जो है पावर क्यूरी का इस्तेमाल करें। तो हम यहां आते हैं अपने क्यूरियन कनेक्शंस में, राइट क्लिक करके लोड पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे मोहन को लेके जाना पड़ेगा क्यूरी में। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद गेट डेटा यहाँ पे आता है कंबाइंड क्यूरी। ये बहुत ही मजेदार चीज है, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, एंड ओके कर दिया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके मैं इसको कर देता हूँ ड्रिल डाउन। क्या कर देता हूँ? ड्रिल डाउन, और टेबल टू जो है इसको रिनेम करके मैं इसका नाम SO कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? S। फिर डेटा में आता हूं जहां मैंने फिल्टर लगाया हुआ SO इक्वल टू पूजा। अब यहां पे सिंपल मुझे SO कर देना है, S। ठीक है, और यहां पे फिर इसको लोड एंड क्लोज करना है, लेकिन गलती कर दिया। लोड एंड क्लोज हमने किया तो हमें सिर्फ क्रिएट कनेक्शंस करने थे, लेकिन हमने कुछ और कर दिया। कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते। मैं यहां से वापस में आते हैं। अब यहां पे अगर मैं पूजा सेलेक्ट करता हूं तो पूजा का डेटा नहीं है, क्योंकि मुझे इसको रिफ्रेश करना होगा। क्या करना होगा? रिफ्रेश। यहां पे सिलेक्ट करता हूं मैं यहाँ पे मोहन का डेटा, तो फिर जाके मुझे यहाँ मोहन को रिफ्रेश करना। यहाँ रिफ्रेश बार बार करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम एक बटन लगा सकते हैं यहाँ पे। हम इसके लिए थोड़ा सा VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक माइक्रो रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के साथ राइट क्लिक करके हम यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके जस्ट मैंने रिफ्रेश कर लिया सिंपल सा, और फिर यहां से माइक्रो स्टॉप कर दिया। फिर यहाँ इंसर्ट बटन मैंने लिया, बटन को यहाँ पे ड्रैग किया, तो जो माइक्रो सिलेक्ट किया था उसको मैंने यहाँ लिया, और यहां पे हमने कर दिया गेट डेटा, गेट डेटा। अब मैं यहां पे कोई भी नाम सेलेक्ट करता हूँ, कविता सेलेक्ट करता हूं, और यहां पे गेट डेटा भी क्लिक करता हूं, तो कविता का डेटा आ गया। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इंदर, गेट डेटा, यहां देखिए इंदर का डेटा आ गया।
तो इसमें हमें वीवीए प्रोग्रामिंग की ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं और इसको हम आसानी से यहां पे कर लिए। अब बात यह आती है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप बात करते हैं कि पूरी की पूरी एक्सेल को बेसिक एडवांस अपडेटेड एक्सेल को कैसे सीखा जाए। अब इसके लिए आपको जो है मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी दो तरह की क्लासेस होती है, 1-to-1 और ग्रुप क्लासेस। ग्रुप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो तकरीबन 80% की फीस की डिस्काउंट मिलती है। तो मेरी नई बैच एडवांस एक्सेल की जो शुरू होने वाली है 16 तारीख को 11 बजे शुरू होने वाली है। 10 से 12 लोगों की सीट है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। डेली आपको 1 घंटे की क्लासेस होगी, लाइव होगी, एमएस टीम के साथ होगा, साथ में वीडियो पे रिकॉर्डिंग दी जाएगी जिसमें आप 300 से ऊपर फॉर्मूले, डैशबोर्ड विद डेटा एनालिसिस, एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशंस और रियल टाइम एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसे आप चाहो तो मेरे यूट्यूब में जाके मेरा ये नंबर या आईपी टेक्स स्कूल सर्च करेंगे तो मेरे तकरीबन 10,000 वीडियोज आपको मिलेंगे। लेकिन वो सारे वीडियोज अनसिक्वेंस है और सिक्वेंसली सीखना है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सर।